नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके शासन के करीब 8.5 साल में सभी वर्गों के हित में बिना किसी भेदभाव के काम हुए हैं। अब युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरियों में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, पर्ची खर्ची का चलन बिल्कुल बंद हो चुका है और अब उन युवाओं को सरकारी सेवा में लाया जा रहा है जिनके पास योग्यता है। अब गरीब से गरीब परिवार का बच्चा बिना कोई पैरवी और बिना किसी दलाल के चंगुल में फंसे सरकारी नौकरी में आ रहा है। मनोहर सरकार के इन दावों को सुनने के बाद अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसी की पड़ताल हमने विकासशील हरियाणा के जरिए की है। साल 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में भेदभाव की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती थीं। युवाओं का ये आरोप होता था कि उनके पास मेरिट होने के बावजूद नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो किसी खास क्षेत्र, समुदाय या फिर परिवार से आते हैं, और अगर इन सब से एक दो सीट बच भी जाए तो बिना पैसे खर्च किए नौकरी पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2014 विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरियों में भेदभाव बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी ने हर चुनावी मंच से पूर्व की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद अपने चरम पर है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बीजेपी को इस मुद्दे पर युवाओं का भी भरपूर समर्थन मिला और चुनावी रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया। 90 विधानसभा वाले प्रदेश हरियाणा में बीजेपी ने 47 सीट पर अपना परचम लहराया और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। पार्टी की ओर से प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को मिली, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना था जिनसे चुनावी वादे कर बीजेपी सत्ता में आई थी। अब जबकि बीजेपी प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची, क्षेत्रवाद और परिवारवाद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसका लाभ अब उन योग्य उम्मीदवारों को मिल रहा है जो सरकारी नौकरी पाने की काबिलियत रखते हैं। अभी हाल ही में इसकी एक बानगी भी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी दौरे पर पहुंचे थे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान खुद ग्रामीणों ने इस बात पर अपनी मुहर लगाई कि अब सरकारी नौकरी में पारदर्शिता आई है। इक्षर जिसकी लगी है वो कोई घर का आदमी या बैठा हो या जिसकी अपनी नौकरी लगी हो, पड़ोसी के लगी हो, बताओ जरा। आपके रेडियोग्राफर में सिलेक्शन हुई है अस्पताल में? ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन सिलेक्शन तो हो गई ना। ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, चिंता मत करो, लेकिन सिलेक्शन में किसी ने कोई आना पाई लिया तो नहीं? आप नहीं थे, लेकिन किसी ने मांगा हो? अरे बता दो, 24 घंटे नहीं लगाऊंगा उसको ऐसी से खड़ा रहे ना। ईमानदारी से नौकरी लगी, कोई पैसा तो नहीं लगा? ना जी कोई पैसा नहीं। बता देना। ठीक ठीक शुरू में सिफारिश खतर गए थे जी, और उसने कह दिया कि भाई अगला ने जिसने गए भाई इस सरकार में कोई सिफारिश कोई पैसा नहीं लगे। आपको तसल्ली हो गई? फिर भी आप पीछे लगे रहे होंगे? ना ना, ये हो नहीं सकता। अंदर लगेगा मेरी बुआ की पोती, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगी है। कोई पैसा नहीं जी, 1 किला सरों के। अच्छा, 1 किला सब इंस्पेक्टर लेके। और अगर ये स्कीम नहीं होती हमारी बिना खर्ची पर्ची के, वो लग पाते क्या? और कमीना कमी और भी घर का सौदा पानी से बिक जाता। कोई पैसा नहीं लगा? आपका बेटा लगा, फिर वो क्यों नहीं बताते? क्या बता रहे? अरे भाई अगर नौकरी लग गया है तो चिंता मत करो, मेरी इच्छा रहेगी कि आपसे लेने की बजाय आपके घर में कोई मिठाई का डब्बा मैं भिजवा दूं। ग्रामीणों से संवाद और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पर मुहर लगने के बाद इसकी सच्चाई जानने हमारे रिपोर्टर भिवानी बलियाली गांव पहुंचे, जहां एक ही गली में 12 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया गया था, और वो भी बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के। लेकिन यहां हमारे रिपोर्टर के सामने जो हकीकत सामने आई वो किसी भी प्रदेश और सरकार को गर्व से भर देने वाली थी।
ग्रामीणों के मुताबिक जिस गली में 12 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा था, वो संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। कैमरे के सामने ग्रामीण बड़े गर्व से कहते हैं कि पहले सिफारिश और घूस से नौकरियां मिलती थीं, लेकिन जब से हरियाणा में मनोहर राज कायम हुआ है, तब से सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। हमारी एक सांगवान गली है, सांगवान गली से 12 बच्चे लगे हैं। 13वें बच्चे का अभी सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में। और हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा की ओर उनका पूरा ध्यान था, उन्होंने हर बच्चे ने कोचिंग ली है और बगैर खर्चे के। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो मैं कहता हूं कि बिना पैसे के शिक्षा के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर लगे हैं और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। किस प्रकार ये परिवर्तन आया, पहले किस प्रकार से होता रहा है और अब क्या आपको नज़र आया, कैसे मेहनत के लिए कैसे प्रेरित हो पाई ये युवा? देखिए, पहले तो सिफारिशें चलती थी, पैसे चलते थे, अब जो मेरिट आधार पर लगते हैं, इस मेरिट को देख के ये सब बच्चे इस ओर आकर्षित हुए कि क्यों न मैं भी कामयाब हूँ। अब बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियों की असलियत उनकी जुबानी भी सुन लीजिए, जिन युवाओं के सपने मनोहर राज में साकार हुए हैं। सरकारी नौकरी पाने वाले गुलशन कुमार मनोहर सरकार की नीतियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, जब किसी परिवार का लड़का कुछ अच्छा करता है तो न सिर्फ गांव और उसके जिला का नाम रोशन होता है, बल्कि इससे पूरे प्रदेश का भला होता है। एक दूसरे की सफलता को देखकर युवाओं में भी प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। मैं अभी सेंट्रल एक्साइज में चंडीगढ़ कैडर से वहाँ इंस्पेक्टर हूँ। और बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, तो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज है, सपोर्टिव है अभी गवर्नमेंट इसको लेकर। पहले जब मैं जाता था हिसार, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उस समय यहाँ ट्रेन जाती है कि वो बिल्कुल खाली जाती थी, बस कॉलेज वाले बच्चे जाते थे, कुछ 10 या 15 थे। उसके बाद जब मैं फाइनल तक आया और उसके बाद भी जब मैं हिसार जाता था, तो बड़ियाली से ही 100 के अराउंड जो युवा हैं वो जाते थे। तो ये इसी बात का है कि अभी सपोर्टिव है सरकार और कर रही है कि अभी मेरिट बेस पे लग रहे हैं, क्योंकि वो सारे कोचिंग सेंटर पे जाते थे और कोचिंग सेंटर में तभी जाएगा कोई भी जब उसको लगेगा कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब बेटे का सपना साकार होता है तो परिवार का सीना गर्व से फूल जाता है। बेटे गुलशन को सरकारी नौकरी मिलने से माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। गुलशन की माँ बताती हैं कि अगर सरकार की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद उनका बेटा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाता। बालक पढ़ के लगे हैं, आपकी मेहनत पढ़ करके लगे। हाँ, पढ़ के लगे हैं। तो कोई पैसा वगैरह कोई मांगने के लिए कोई इस प्रकार की बात आई हो, क्या कहेंगे? नहीं, नहीं आई। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर मनोहर नीति की सराहना करने वाला सिर्फ एक परिवार नहीं है। मनोहर सरकार के दावों के मुताबिक बिना पर्ची खर्ची के नौकरी पाने वाले एक लाभार्थी अशोक कुमार के अभिभावक का कहना है कि वो किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने की सोची और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदार छवि का ही नतीजा है कि उनके बेटे को प्रतिभा के दम पर नौकरी मिली है। हम एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमने सोचा क्यों न बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। हमने बच्चों को 10वीं करते ही कोटा में कोचिंग के लिए भेजा, एक का IIT के लिए और दूसरे का डॉक्टर के लिए। IIT में तो एक बच्चे का हो नहीं पाया, JEE मेंस दोनों बार क्लियर हुई, एडवांस में उसका नहीं हो पाया, लेकिन NEET जो डॉक्टरी वाला था उसका NEET में गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर में। अभी NEET PG का टेस्ट दिया था, उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 501 आई है। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से जॉब मिलती थी, अब कितना परिवर्तन आया है और मुख्यमंत्री जी भी कह के आपके गांव में, उस सारे विषय को लेकर के क्या मानना आपका? देखिए, मुख्यमंत्री आए थे, अपने में बहुत ही सभ्य किस्म के आदमी हैं। अब जो बच्चा पढ़ता है वो तो निश्चिंत होकर सो जाओ आप, और जो बच्चा पढ़े नहींगा उसको कोई सर्विस नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसी तरह बलियाली गाँव के सांगवान गली के आशीष को लाइनमैन की नौकरी मिली है, जिससे वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली है और गांव के लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि अब सिर्फ प्रतिभा के दम पर नौकरी मिल रही है। हमने बहुत समय से पीछे तैयारी की, 3-4 साल तक तैयारी करने के बाद हम लाइनमैन की पोस्ट पर लगे। 2019 में हमारी वैकेंसी निकली थी, हमने तब से बहुत तैयारी करी। उसके बाद इस सरकार की वजह से, बिना खर्चे बिना पर्ची की वजह से, हम आज लाइनमैन की पोस्ट पर लगे हुए हैं।
इससे हमें बहुत खुशी मिली। इससे हमारे परिवार में और भी बच्चे हैं, वो भी इससे इसी वजह से तैयारी करने लग रहे हैं। अब पीछे मतलब बहुत पर्ची वगैरह के कारण, बहुत उसके कारण बंदे बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ नौकरी मिलती नहीं थी। लेकिन आज के समय में बहुत बच्चे तैयारी करने लगे हैं, इससे हमारे पड़ोस में भी बहुत उत्साह मिला है। बहुत से बंदे अब तैयारी कर रहे हैं और आगे लगे भी बहुत हैं, 10-12 बच्चे हमारे पड़ोस में भी लगे हैं नौकरी के लिए। आपकी गली में? हाँ जी। बेटे को सरकारी नौकरी मिलने को लेकर जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल आशीष की माँ से किया तो उन्होंने बेहद भावुकता से जवाब दिया कि पहले तो पर्ची खर्ची के दौर में नौकरी मिलने का भरोसा ही टूट गया था, लेकिन मनोहर सरकार की अच्छी सोच से बेटा सफल हो पाया है। इसने है ने बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद ही इनका ये नंबर, पहले तो ऐसे विश्वास ही टूट गया था कि नहीं, बगैर खर्चे के हम नौकरी नहीं पा सकते। लेकिन इनका विश्वास अटूट बना रहा कि कभी तो नौकरी मिलेगी, कभी तो मिलेगी, ये तैयारी करते रहे और आज ऐसा दिन आ गया कि इनको नौकरी मिली गई। किसी के पास जाने आने की आवश्यकता क्या आपको पड़ी? नहीं जी, किसी के पास आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी मेहनत से और सरकार की अच्छी सरकार अच्छी होने के कारण ही हमारे बच्चे का नंबर इस सरकार के अंदर, इस नौकरी के अंदर आया है। इसी तरह गांव के ही अशोक सरदाना कहते हैं कि जब से मनोहर सरकार आई है, नौकरियों के लिए न तो मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न ही घूस का जुगाड़ करना पड़ता है। जब से ये सरकार आई है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। किसी को पहले जाते थे कि तबादले के लिए हमारे को बायोडाटा दे, जो MLA मंत्रियों के पास चक्कर काटते थे। अब इस सरकार में कोई भी पूरे गांव में से किसी के प्रकाश कोई किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र के लिए या नौकरी के लिए कोई बायोडाटा लेकर के, कोई अपना पर्ची लेकर के मंत्री के पास, किसी विधायक के पास कोई नहीं गया। बिल्कुल बच्चों ने कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के लेन देन के नौकरियां लग रही हैं। पहली बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा समझता हूं मैं तो। ये बिल्कुल सही बात है जी, एक सांगवान गली है, उसमें से 12 बच्चे अभी प्रेजेंट में लगे हैं और बड़ियाली गांव के लगभग आप मान के चलिए हर वर्ग में से, हर जाति बिरादरी में से बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। और अभी तक एक भी सिंगल मामला ऐसा नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि मैं पैसे दे के लगा हूँ। सब बच्चे खुल के ये कह रहे हैं जी, हम तो बिना पैसे लगे हैं और कोचिंग के आधार पर लगे हैं जी। तैयारियां कैसे की गांव के लोगों ने, कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या कहेंगे उसको? देखो जी, एक तो हमारे गांव में जैसे बच्चे खुद सेल्फ स्टडी बड़ी अच्छी करते हैं जी, फिर कोचिंग सेंटर्स हैं, भिवानी जाता है, कोई हिसार जाता है, उसके पेरेंट्स बड़े टीचर लेवल पे हैं, अच्छे मतलब जानकार हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कईयों के परिवार के लोग जो मतलब कोई चंडीगढ़ है जी, कोई दिल्ली है, उन लोगों ने उनको गाइड किया। और सबसे बड़ी बात फिर हरियाणा सरकार की रही कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंस नौकरियाँ भी दी गई। देखो यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही आती है जी, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अच्छी रही जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट नौकरियां लगी और डी ग्रुप में हमारे गांव के बहुत बच्चे लगे। पुलिस विभाग में एक एक घर में दो दो तीन तीन बच्चे लगे हुए हैं जी, डी ग्रुप में भी एक घर से दो दो तीन तीन बच्चे लगे हुए हैं। तो बड़ी शानदार उपलब्धि रही हरियाणा सरकार की। लाभार्थियों और गांव के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम यहां की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्कूल पहुंची, जहां प्रिंसिपल से बातचीत के दौरान जो हकीकत सामने आई वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। स्कूल की प्रिंसिपल संतोष रानी के मुताबिक जब से मनोहर सरकार आई है, 120 बच्चों का सिलेक्शन बिना किसी अप्रोच और बिना किसी खर्चे के हुआ है। यहाँ का शैक्षिक माहौल बहुत ही बढ़िया है, बच्चों का पढ़ाई के प्रति अच्छा रुझान है। यहाँ से लगभग 120 बच्चों का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है। सरकारी नौकरी की तरफ बहुत अच्छा रुझान है, बगैर किसी अप्रोच के बच्चे यहाँ से कामयाब हो रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो अच्छा माहौल है। पढ़ाई अपनी मेहनत के उस पर बिना खर्चे बिना उसके मेहनत से वो है। किन्हीं लोगों ने संपर्क किया कि हम आपको पैसे से लगवा दें? कैसे? नहीं, कोई पैसा का नहीं, खुद की मेहनत से लगाए, बगैर पैसे दिए, बगैर उसने मेहनत से अपने से वो है जी। बिल्कुल जी। सर आपसे जानना चाहेंगे सिंह जी, कितने लोग आपके गांव के लगे हैं ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और आप पूरे आंकड़े आपके पास हैं वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे गांव में आदर्श गांव बड़ियाली में लगभग पिछले 7-8 वर्षों में 120 के करीब जॉब लगी हैं सरकारी, जिसमें 60 के करीब तो सेंटर केंद्र सरकार की जॉब लगी हैं और 60 हरियाणा सरकार की। तो एक ही ये गली जो आप देख पा रहे हो, एक ही गली के ये बच्चे सांगवान परिवार से अपनी प्रतिभा के दम पे बिना खर्ची बिना पर्ची के ये सिलेक्शन हुआ है। मेन मुख्य बात कहने की ये है कि अब ये जो प्रतिभा को मतलब जो प्रतिभा को अब सम्मान मिलने लगा है, अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर है, उन्हें कि ये विश्वास उनका एक जागा है
कि हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। पहले ये मतलब हुआ था, जो मतलब जिनकी सिफारिशें होती थी, जो मंत्री MLO के पीछे पड़े रहते थे, उन्हीं का सिलेक्शन होता था, ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, अब सब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। मनोहर राज में युवाओं के सपने को पंख लगता देख कई दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। अच्छी पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर खुलने लगे हैं। अब युवाओं को यकीन हो चला है कि अगर उनके अंदर काबिलियत है तो सपने साकार होने से गरीबी कभी रोक नहीं पाएगी। सपोर्टिव है सरकार और कर रही है, अभी मेरिट बेस पे लग रहे हैं, क्योंकि वो सारे कोचिंग सेंटर पे जाते थे और कोचिंग सेंटर में तभी जाएगा कोई भी जब उसको लगेगा कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं। किसी भी प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, और जब किसी प्रदेश में युवाओं के सपनों को पंख लगते हैं तो उस प्रदेश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी सोच के साथ युवाओं के सपने साकार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कहते हैं कि हर बुरा समय अच्छे दिन का संकेत देता है, और ऐसा ही हुआ है हरियाणा की राजनीति में। दशकों तक सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी जब सत्ता में आई तो युवाओं के मन में एक उम्मीद जागी, उम्मीद अपने सपने साकार होने की, उम्मीद बिना किसी भेदभाव के नौकरी पाने की, उम्मीद एक बेहतर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि वो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। होनहार और प्रतिभाशाली युवाओं के सामने सिर्फ सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता मुद्दा नहीं था। नई नौकरियां भी बेहद कम निकल रही थीं, जिससे युवाओं में असंतोष फैलता जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछली सरकार की तुलना में हमने हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है। इसे अगर आंकड़ों की जुबानी समझें तो साल 2004 से 2014 के बीच 10 साल के हुड्डा राज में महज 80,000 नौकरी दी गई, जबकि 2014 से लेकर अब तक के बीजेपी शासन में करीब 1.02 लाख नौकरी दी गई हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने अगले 6 महीने में 60,000 और नौकरियां देने का भरोसा दिया है। जैसे सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये और उसके अलावा जो अध्यापक हैं PGT वगैरह और पुलिस की भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे, यानी 1,629 साल में हो जाएंगे। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन HKRN की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि HKRN की भर्ती को हम उस प्रकार की भर्ती नहीं मानते, वो आवश्यकता के हिसाब से जितने समय की डिमांड होती है उतने समय के लिए ही उनको लगाया जाता है। और एक चीज और जो आपके सामने उल्लेख करूंगा कि इस पेंशन के नाते से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसके बारे में ये कहते हैं इतनी कट गई, हो गया वो हो गया, अभी पेंशन की संख्या भी 2014 में ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21,82,000 और अभी जो है 30,78,000 है, यानी 9 लाख लोग एक प्रकार का ये माने के 45% उसमें वृद्धि हुई है। इतनी भी संख्या ज़्यादा बढ़ी, चलो संख्या भी बढ़ गई, फिर जहाँ तक इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है उनके समय में ये टोटल एक्सपेंस साल का होता था 2,618 करोड़, महीने का 218 करोड़ था, तो साल का 2,618 करोड़, और हमारा अब जो है 2,618 करोड़ की जगह सालाना 10,157 करोड़ होता है। यानी 8-10 साल पहले नौकरियों की क्या स्थिति थी और आज नौकरियां कैसे मिलती हैं, इतना अति उत्साह था लोगों में कि पहले बंडल के बंडल ढेर के ढेर हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, नौकरियां रेट था। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि आपकी सरकार के कारण से मेरा 25 लाख बच गया। मैं समझा नहीं कैसे बच गया 25 लाख, तो वह तो नौकरी की कर रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगा है, अगर यही कांग्रेस सरकार होती तो ये 25 लाख रुपए में मिलती। मैंने कहा आपको कैसे पता, कह लेंगे मैं पहले कांग्रेस में था।
वो स्वयं कांग्रेस में था, आज चूंकि उसने आस्था जताई हमारे अंदर, अभी गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ ये नौकरी 25 लाख से नीचे नहीं मिलती। अब ये भ्रष्टाचार के इतने नंगे नाच सारे के सारे सामने आ रहे हैं और जनता इन चीजों से बहुत प्रसन्न है। खैर, वर्तमान सरकार के इन दावों के बीच अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पिछली सरकार में वो कौन कौन सी गलतियां हुई जिससे युवाओं में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक पूर्व सरकार में होने वाली भर्तियों में लिखित परीक्षा को कम और इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आरोपों के मुताबिक लिखित परीक्षा में कितने भी अंक क्यों न आए, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर लिखित परीक्षा में कम नंबर लाने वालों को आगे कर दिया जाता था, जिससे योग्य उम्मीदवार सिर पीटते रह जाते थे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार पर यह भी आरोप लगे कि जानबूझकर नौकरियों के नतीजे निकालने में लेट लतीफी की जाती थी, जिससे बिचौलियों को एक सुनहरा मौका मिल जाता था। इन बिचौलियों की राजनेता और विभिन्न विभागों के उच्चस्थ पदों पर बैठे अधिकारियों से साठ गांठ होती थी, जो मौका मिलते ही पर्ची और खर्ची का खेल शुरू कर देते थे, और ये किसी भी लिहाज से युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार ने इस पर बेहद कड़ाई से चाबुक चलाया है, जिससे ऐसे भ्रष्ट लोगों की दुकानों का शटर हमेशा के लिए बंद हो गया है। कोई किसी से किसी ने कोई पैसे वैसे की डिमांड तो नहीं की? एक रुपये भी नहीं लिया। की हो तो बता दो। नहीं जी, आज रात नहीं पढ़ने दूंगा। नहीं जी। हेलो, हाँ आपके यहाँ कलर्क लगे हैं? किस कौन से डिपार्टमेंट में? समाज कल्याण में। पढ़ाई वढ़ाई करके लगे हो ना? नकल से तो नहीं, पक्का? मेरिट में जो आएगा वो लगेगा, और इससे मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी। पहले क्या होता था, इसका रिश्तेदार उसका रिश्तेदार इसके पास जाके पैसे पकड़ा दिए, गहने बेच दिए, किला बेच दिया, ये नौकरियां लेने के लिए किया जाता था। अब हमारा कोई भी आदमी अगर इसमें मिल जाए आपको, या कोई सरकार का आदमी या कोई बिचौलिया, क्योंकि पहले जो बिचौलिए थे बहुत सारे दौड़ कपड़ी है, उन सबके खूंटी पर टंगवा दिए हमने सारे। नहीं तो ट्रांसफर के टाइम भी क्या कहा करते, चल तेरा ट्रांसफर करा के लाऊंगा, काट गाड़ी, गोदे में बहुत गाड़ी है नहीं, चल दे किराया में गाड़ी मेरी है, तेल डलवा, तेल डलवा लेता, वहां दो दिन खर्चा करवाता, खाने का रहने का बसाते में पीने का भी, और लामड़ी करवाया करता, पैसे नहीं हो तो चल तू मेरे खेत में लामड़ी कराया, तेरे बेटे को कुछ करा दूंगा, ये सब करवाया करते। अब कोई ऐसा आपको मिलता है? अब ये न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जीवन कैसे सुखी हो। हाँ, अभी भी जरूरी नहीं है कि सबको जो मदद चाहिए मिल गई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है यहां भी कुछ बैठे हो जो कह दें जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, या कोई कह दे भाई मुझे तो आयुष्मान के कार्ड का फायदा नहीं हुआ, मेरा कार्ड नहीं बना। आप परिवार पहचान पत्र में अपनी सारी जानकारी लेके, अगर किसी की इनकम ज्यादा लिखी हुई है उसकी कम करानी है, वो भी जाके अपने कहाँ पोर्टल पर या हो जाता लोड के कहाँ करा हम यही सीएससी, नहीं नीचे गांव में सीएससी में हो जाता, सीएससी में आप अपना उसके ऊपर लिख के छोड़ दो कि मेरी आमदन ज्यादा लिखी गई है, वास्तव में कम है। आप लिखोगे तुरंत तो ठीक नहीं करेगा, उसके हाथ में भी नहीं है, उसका हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद आपकी बात ठीक निकली। आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, प्रदेश के विभिन्न विभागों को कैशलेस किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने की खुली छूट दी गई, समय पर परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, और इसके अलावा लिखित परीक्षा को ज्यादा अहमियत दी गई, जिससे काबिल युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर सूर्य समाचार के पड़ताल में सरकार के दावे हकीकत की दहलीज पर सटीक साबित हुए हैं। अब लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। जिन परिवारों को नौकरियां मिल रही हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक प्रेरणा मिल रही है कि अब मेरिट के दम पर उनका सपना मुकम्मल होगा। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।